ये अलग थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, या ये है कि रे को ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा खींच के लिख दिया, तो खंजरी थोड़ा अंदाज में लिख दिया, तो दायरे को खंजर की तरह। ये देखें, एक ही स्ट्रोक में आपने लिखा है। जी, ये थोड़ा कर दिया शिकस्ती अंदाज में, थोड़ा सा उसको ही कर दिया, या कशीदन तो, कशीदा थोड़ा कर दिया। तो इस तरह नून बाजुकात ये होता है कि नून को ऐसे कर दिया तो वो शिकस्ता हो गया। अब कुछ नून को यूं भी लिख देते हैं, इस तरीके से भी नून और नुक्ता, उनका नुक्ता थोड़ा इस तरह से होता है। अच्छा, तो थोड़ा ये शेप होती है, सही। ईरानी आमतौर पर वो इस तरह का जी बिल्कुल लिखते हैं। ये लाहौरी निस्तालीक और वो ईरानी निस्तालीक, वो ईरानी का है नुक्ता इस तरीके से, आमतौर पर इस शेप में बनाते हैं, वो ईरान का है नुक्ता। तो हमारा तो नुक्ता है ना, ये होता है। इस तरह मीर पंजा कश ने भी यही नुक्ता बनाया है, हमारे मुगलिया दौर में भी यही रहा है, मीर पंजा कश ने, इमाम वैरदी ने भी यही नुक्ता बनाया है। अब तक हमारा नुक्ता यही चल रहा है, हमारे नुक्ते की शेप ये है और इसका तरीका ये कदीम, जो हत्ता के मीर अहमद ने भी नुक्ता ये बनाया है, मीर अली हरवी ने ये नुक्ता बनाया है, थोड़ा सा ऐसे कर लें चलें, कर्व थोड़ा कम किया है, लेकिन नुक्ता बनाया मीर अली हरवी ने भी, चकोर नुक्ता बनाया है, बिल्कुल ऐसे बनाया है उन्होंने, मीर अली हरवी ने, मीर अहमद ने भी ऐसे नुक्ता बनाया है। अब तुर्क जो हैं, ये यादरी स्कूल के लिखने वाले हैं, जो महमूद याजर साहब ने बनाया ना, मोहम्मद इज्जत साहब ने जो बनाया नस्ताली का नुक्ता तुर्कों ने, उन्होंने भी यही बनाया है। तो नुक्ते की शेप में अब ये कि जो सवाल पैदा होता है कि जी ईरानी, और हमें कहा जाता है कि जी ईरानी ये है, ईरानी खत ये है, ईरानी क्यों नहीं। जी एक सेकंड, मैं इसको जी, अब हमें लाहौर नस्ताली की ज्योमेट्री के बारे में यही हरूफ में लाहौरी में भी लिख के थोड़ा फर्क बता दूं, यही जितने अरब लिखे हैं अलग से शुरू करके अलग और रे है, और जिस तरीके से मैंने ये किया है, थोड़ा सा मैं ये भी, ये लाहौरी है, छोटी ये मैं डालूंगा, आप देख लीजिए छोटी ये, एक ही स्ट्रोक में और इंक की स्ट्रोक भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह की खूबसूरती है, चार और पांच। जी उस्ताद जी, ये हम दिखा दें कि कितने नुक्तों का फासला है, ये पांच कत में ठीक हो गया ना, तो ये तकरीबन तीन हो गया। जी जी, और इसको डेढ़ होना चाहिए, ठीक हो गया जी, और ये भी तकरीबन डेढ़ ही होता है, ठीक हो गया, उसका हिसाब भी है, एक दो और सवा दो ये होना चाहिए, सही हिसाब है। अलिफ के भी ये तीन, ये देख लीजिए कि तीन ही होने चाहिए, इसको भी तीन होना चाहिए, बिल्कुल। तो रूल रेगुलेशन खूबसूरती के लिए होते हैं, ताकि एक्यूरेसी कायम रहे और इसमें फर्क नहीं आना चाहिए। अब मैं लिखता हूँ ये नून जो लिखा है,
कौन कहता है लाहौरी में कि सिंगल स्ट्रोक नहीं लिखा जाता। आज आपने सबूत भी पेश कर दिया। सिंगल स्ट्रोक से ही लिखा जाता है। अच्छा।